पत्रकारिता को भी अब कुछ लोग फर्जी पत्रकार बनकर दागदार करने में लगे हुए हैं। आम आदमी भी जब अपने आप को फर्जी पत्रकार बताकर सरकारी स्कूलों में घूमते हैं और पत्रकारिता को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली की थाना झंझाना क्षेत्र के गांव रगाना का है, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक राजीव कुमार ने गांव के ही दो व्यक्तियों के नाम थाना झंझाना में नाम दर्ज रिपोर्ट कराई है। प्रधान अध्यापक राजीव कुमार का आरोप है कि रगाना गांव के ही दो दबंग व्यक्ति राहुल शर्मा और कृष्णपाल शर्मा काफी दिनों से स्कूल में आते हैं और वीडियोग्राफी कर स्कूल को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं और अध्यापकों के साथ मारपीट और गाली गलौज तक करते हैं। राजीव कुमार प्रधान अध्यापक ने बताया कि राहुल शर्मा की एक लड़की इसी स्कूल में पढ़ती है। स्कूल की छुट्टी के बाद राहुल शर्मा ने अपनी लड़की को अपने घर पर ही खराब केला देकर उसका फोटो खींचकर अखबार में दे दिया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अखबार के पत्रकार बंधुओं ने भी उसकी जांच ना कर उस खबर को प्रकाशित कर दिया, जिससे अध्यापकों को इस बात का बहुत दुख हुआ और स्कूल की भी बदनामी हुई। हमने उप जिलाधिकारी और शिक्षा खंड अधिकारी को भी इस बात से अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज दिनांक 17 अगस्त 2019 को करीब 10 बजे रगाना स्कूल में राहुल शर्मा और कृष्णपाल शर्मा आए और मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट पर उतर आए, तो मैंने तुरंत 100 नंबर पर सूचना दी तो वे स्कूल से चले गए। उन दोनों की शिकायत थाना प्रभारी झंझाना को भी लिखित रूप में दे दी है और उचित कार्यवाही की मांग की गई है। तो वो बचा जाओ, वीडियो भेज दिया मुझे, मैं भेज दूंगा इसको, ठीक है, जो भी दूसरे को मामला है। ओके हाँ, ए बेटी आ जाओ बेटा, टाइम नहीं बच गया, छुट्टी का हो रहा टाइम, तो टाइम छुट्टी का 1:06 ओनली। आओ साहब घर चल, बस चाय वाय हो, कोई नहीं था, चल वीडियो भेज दिया मुझे, बिल्कुल आपका नाम? जी मेरा नाम राजीव कुमार। आप ये रंगाना स्कूल में 100 नंबर जो पुलिस आई थी, जी सर, क्या प्रॉब्लम? सर ऐसा है, इस गांव रंगाने गांव में सर दो आदमी हैं, एक कृष्णपाल शर्मा और एक, आप अपने बारे में बता दीजिए। अच्छा सर, मैं राजीव कुमार हूँ, इंचार्ज प्रधान अध्यापक जूनियर हाई स्कूल रंगाना। वर्तमान में सर मैं EBRC के पद पर उन पर कार्यरत हूँ, है ना। और जो है आज की घटना जो सामने आई, यहाँ पे अध्यापक थे अकेले मुकेश कुमार मेरे अनुदेशक, उनका फ़ोन गया कि विद्यालय में कि दो आदमी राहुल शर्मा और कृष्णपाल शर्मा वीडियो बना रहे हैं बच्चों की और जो है ये रोज़ परेशान करते हैं। फिर जो है मैं सर जो है एकदम अचानक EBRC से आया वहाँ पर कार्यालय से, और आके मैंने देखा ये घटना वास्तविक थी, बच्चों से पूछा ये घटना वास्तविक थी। और जो है फिर जो है हमने राहुल शर्मा से बात करी कि भैया जो कोई प्रॉब्लम हो तो हमें अवगत कराएं, तो उन्होंने हमें बताया कि जो है इस तरीके से जो है आइंदा नहीं होने का, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने दोबारा से फिर वीडियो बनाई। ये कौन लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं कृष्णपाल? सर ये लोग जो है अपने आप को पत्रकार बताते हैं और ये आए दिन ये काम करते हैं सर, रंगाना फार्म विद्यालय पढ़ता है यहीं पे सर, उनकी भी वीडियो बनाई है। और सर जो है यहीं पे प्राथमिक विद्यालय है सर पास में ही सर, उसकी भी जो है इन्होंने वीडियो बनाई है, उन अध्यापकों से जो है प्रश्न करते हैं, बच्चों से प्रश्न। पत्रकार है सर? ये पत्रकार नहीं है और जो है ये जो है ब्लैकमेल के इस सर ये वो करते हैं सर, ये रंगाना गांव से हैं सर, जी सर। इस गांव में सर मुझे लगभग 14 साल हो गए टीचिंग करते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। आप ये रंगाना स्कूल में सरकारी स्कूल में आए हो, यहाँ पर क्या पूरा मामला है? हमें 100 नंबर द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है दो लड़के हैं, दो आदमी हैं, राहुल शर्मा सनोक ओमपाल, एक कृष्णपाल शर्मा सनोक ओमजी, इनके द्वारा जो है प्रधानाचार्य के साथ मारपीट करने का मामला है, काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे हैं। किस मामले को लेकर परेशान कर रहे हैं? बस बच्चों के खिलाफ, पता नहीं किस चीज़ के बढ़ा के ये तहरीर देंगे उसके बाद में पता चलेगा। अच्छा, प्रधान अध्यापक कौन है यहाँ पे? प्रधान अध्यापक किसकी तरफ से मिली है? राजीव सर। अच्छा।